नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में दावते इफ्तार की सियासत चल रही है। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने दावत दी और उसके बाद उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से दावते इफ्तार आयोजित किया गया और कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावते इफ्तार दिया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। तो इस पर खूब सियासत हो रही है। दरअसल इस सियासी इफ्तार है, इसमें बीजेपी शामिल नहीं हो रही है और बीजेपी बार बार कह रही है कि जिस तरह से नालंदा में हिंसा हुई और उसके बाद सासाराम में हिंसा हुई, इन दोनों जगहों पर हिंसा हुई, लेकिन इस बीच जो है सरकार पार्टी कर रही है, दावते इफ्तार कर रही है। तो ऐसे में जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, कि ये जो है एक संदेश देने की प्रक्रिया है, संदेश दे रहे हैं हम, और गंगा जमुनी तहजीब जो है देश की, उसे हम और पुष्ट कर रहे हैं। इस तरह की बात कहते नजर आए तेजस्वी यादव। जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन बीजेपी घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। साफ साफ बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हुआ, वहाँ खुद जाना चाहिए था सीएम नीतीश कुमार को, क्यों नहीं गए, ये तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता। तो इतना तक भी कह रहे हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी अंदाज में नीतीश कुमार नालंदा और सासाराम जल रहा है और नीतीश कुमार पार्टियां कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कही थी। तमाम बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह के बयानों से घेरा और अब ताज़ा बयान जो आया है रविशंकर प्रसाद का, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने हमला बोला है नीतीश कुमार पर, बिहार सरकार पर। क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने, सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकलाज का यह भी तकाजा होता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है। वो अवसर मिलना चाहिए और आपको सुरक्षा भी देनी चाहिए। क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं, और अब तो मीडिया के लोगों ने बता दिया कि वहां पर अगर पूरी पुलिस सख्त होती जैसे पिछले बार थी तो घटना नहीं होती। तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है, बड़ी टोपी भी पहनी है। आप संदेश क्या दे रहे हैं, यह बड़ा सवाल है और इसका उत्तर मैं श्रीमान नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ता हूं। वो बार बार कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, ये कौन सा है आपको सबके साथ लेकर चलने का, आपकी सोच और क्या है आपका सुशासन। अच्छा होता कि इफ्तार भी खिलाते और नालंदा भी जाते और लोगों को मरहम लगाते, ससराम भी जाते। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके गृह जिला नालंदा में, सासाराम में अभी तक तनाव है, वहाँ लोग परेशान हैं, इफ्तार करना आपका अधिकार है, आप टोपी भी पहनिए, लेकिन आप संदेश क्या दे रहे हैं। अच्छा होता कि आप इफ्तार भी खाते और नालंदा सासाराम भी जाते और लोगों को मनाते, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। यानी रविशंकर प्रसाद ने फिर एक बार नसीहत दे डाली है सीएम नीतीश कुमार को। दरअसल वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे, जो कांग्रेस नेता हैं, और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी खूब सुनाया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।